पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिव्यालोक आश्रम में आयोजन के दूसरे दिन भी अखंड पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप लगातार जारी रहा। आयोजन में आज एक अनूठा संगम देखने को मिला। एक तरफ भक्तों द्वारा अखंड पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन सत्र में भक्तों के द्वारा महादेव की आरती और पूजन किया गया। इस दौरान महिला प्रधान शोभा अग्रवाल और प्रधान राकेश अग्रवाल के द्वारा पूजन किया गया। शुक्रवार की सुबह प्रातः 8 बजे से अनवरत 51 घंटे तक अखंड पंचाक्षर मंत्र का जाप भक्तों के द्वारा किया जा रहा है, जो शनिवार को भी जारी रहा। तो वहीं सायंकालीन सत्र में भी विधि विधान के साथ परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और भगवान शंकर की आरती की गयी और पूजन कर धर्म लाभ कमाया गया। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है, कल से भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आज का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा चल रहा है। ये सब प्रभु की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है। हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि लोगों में इतना उत्साह है, नगरवासियों में और यहाँ के मोहल्ले वासियों में, आशियाना वासियों में इतना उत्साह देख कर हम तो बहुत ज़्यादा बाग-बाग हो गए, खुश हो गए। और हमारी बड़ी भूल थी कि हमने अभी तक इस प्रोग्राम को क्यों नहीं आयोजित किया और क्यों हमें प्रेरणा नहीं दी गई भगवान की तरफ से। बहुत ज़्यादा हम इसको देखकर संतुष्ट हैं और सभी लोग संतुष्ट हैं। आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। बराबर हम तो सोच रहे थे दो चार लोग ही बैठ पाएंगे यहाँ पर जाप के लिए, लेकिन यहाँ तो 40-50 लोग एक बार में बैठे हुए होते हैं, 50-50 लोग, 100-100 लोग बैठे हुए होते हैं एक बार में जाप के लिए। क्या कब से कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम कल सुबह 5 अगस्त से सुबह 8 बजे से जाप का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। कल के कार्यक्रम सुबह 10 बजे से पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाए जा रहे हैं, बांबी की मिट्टी के बनाए जा रहे हैं। उसमें तैयारियां चल रही हैं, पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं ब्राह्मणों द्वारा और हमारे सब कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियां चल रही हैं। कल सुबह पार्थिव शिवलिंग बनाए जाएंगे, सभी यजमान यहां पर आकर बैठेंगे, अपनी अपनी पूजा की सामग्री लेंगे और अभिषेक शुरू करेंगे, जलधारा शुरू करेंगे जो निरंतर चलेगी। रुद्री पाठ होगा, लगातार रुद्री पाठ चलेगा और करीब 2.5-3 घंटे ये पूजा चलेगी। उसके बाद में भंडारा होगा, सभी का महाआरती होगी, भंडारा होगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।